Hello students, this is fifth and last video of surface of solid of revolution. इसमें हम लोग पेप्पस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. पेप्पस थ्योरम को गोल्डन थ्योरम भी कहते हैं. पेप्पस के दो थ्योरम्स हैं, एक में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इन्वॉल्व है, एक में सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इन्वॉल्व है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की प्लेलिस्ट अलग है, उसमें हम पेप्पस थ्योरम नहीं दिए. हमें ये लगा एक थ्योरम वहाँ दें एक थ्योरम यहाँ दें, इससे बेहतर है कि हम सरफेस वाले में ही दोनों थ्योरम एक साथ दे देंगे. सो लेट अस सी फर्स्ट थ्योरम ऑफ पेप्पस और फर्स्ट थ्योरम ऑफ गोल्डन. फिगर बना हुआ है, फिगर को ध्यान से देखते चलिए, स्टेटमेंट पढ़ते चलिए. इफ अ क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व आप देख रहे हो कौन सा क्लोज्ड कर्व है, पी ए क्यू बी पी है, गोल गोल घुमाइए, पी ए क्यू बी पी revolves about a straight line in its plane which does not intersect it. इसे हम x एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं, y एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं. फिलहाल हम x एक्सिस के अबाउट घुमा करके इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं. जिस लाइन के अबाउट घुमाना है उसके बारे में लिखा हुआ है कि कर्व को, क्लोज्ड कर्व को वो इंटरसेक्ट ना करे. सो x एक्सिस doesn't intersect the closed curve. पी ए क्यू बी पी. इफ अ क्लोज्ड कर्व रिवॉल्व्स अबाउट अ स्ट्रेट लाइन इन इट्स प्लेन विच डज नॉट इंटरसेक्ट इट, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिंग दस जनरेटेड. रिंग बने ना, ये पूरा क्लोज्ड एरिया जब घुमाओगे इसके अबाउट तो चारों तरफ एक रिंग सा बनेगा. वो बराबर होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व, क्लोज्ड कर्व का एरिया, मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ इट्स सेंट्रॉइड. माना कि इस क्लोज्ड एरिया का सेंट्रॉइड माने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स बार वाई बार है, ठीक है ना. तो इस सेंट्रॉइड के पाथ का लेंथ से मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड कर्व और तब वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम. अब इसमें सेंट्रॉइड इन्वॉल्व है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन मेथड, ये कहीं तो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, कहीं तो बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में है, और कहीं तो कहीं नहीं है, ठीक है ना. अब जहाँ ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो बच्चे इसको बेहतर समझ रहे होंगे. लेकिन जहाँ बीएससी सेकंड ईयर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन है और हम इस थ्योरम को पढ़ाने जा रहे हैं तो उन्हें दिक्कत होगी. अब दिक्कत होगी तो होगी, उस दिक्कत को झेलना पड़ेगा. इसलिए मैं इसके प्रूफ की शुरुआत में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्कशन करूंगा, फिर मेन प्रूफ पर आऊंगा. प्लेन एरिया है, प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया. तो प्लेन सरफेस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, लेट स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ. एक्स बार वाई बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बोले तो सेंट्रॉइड केंद्रक, बी द सेंट्रॉइड दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया बाउंडेड बाई closed curve, bounded by closed curve. ये point P है ना, चाहे तो हम P को ऊपर कर दें, यहाँ पे लिख दें, और इसके y coordinate को हम कहीं लिखना है असल में, कहाँ लिखें बताओ, यहाँ लिख दें. इसी प्रकार से Q को यहाँ लिख दे रहे और इस यहाँ पर y coordinate को हम अंदर लिख दे रहे हैं वाई टू. साफ साफ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, और बड़ा लिख दें. ये बी द क्लोज्ड कर्व. अब कर्व का नाम चलो पीछे लेना शुरू करें, पी ए क्यू बी, पी ए क्यू बी पी फुल स्टॉप. देन फार्मूला क्या कहता है, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एक्स डैश डी एस
डिवीजन इंटीग्रल ए टू बी डी एस एंड वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वाई डैश डी एस डिवीजन इंटीग्रल ए टू बी डी एस. डी एस क्या है? डेल्टा एस. डेल्टा एस एलिमेंट्री एरिया है. एलिमेंट्री एरिया है. एलिमेंट्री एरिया जैसे ये पूरा एरिया है ना, इसको हमने इस एलिमेंट में ब्रेक कर दें. अगर ये एलिमेंट ले लें, एलिमेंट्री एरिया ले लें, तो इसका एरिया कितना होगा? दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी? y1 माइनस y2. भाई y1 तो यहाँ से नपेगा ना, y1 माइनस y2. और ब्रेथ कितना लेंगे हम? डेल्टा x. तो y1 माइनस y2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x. अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा y1 माइनस y2 ds dx. वेयर ब्रैकेट में लिखिए x डैश y डैश इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट माने एलिमेंट्री एरिया ऑफ द एलिमेंट. एंड डेल्टा s इज द, यही जो इंटीग्रल के साइन के अंतर्गत ds लिखा जाता है, इसे बाहर अगर लिखोगे तो डेल्टा s लिखो. डेल्टा s इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट. एरिया ऑफ द एलिमेंट, इतनी बात. नाउ एलिमेंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? एलिमेंट बिहेव्स लाइक अ बार, दंड, छड़, सीधी छड़. तो बार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडिल पॉइंट पर होती है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस मिडिल पॉइंट पर होगी, यहां पे x डैश y डैश. इसका x कोऑर्डिनेट वही होगा जो p का है, जो q का है. तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख दें, x x y1, और q के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख दें x y2, तो फिलहाल हम केवल y डैश को पकड़ रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट घुमाना है हमको, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी. तो नाउ y डैश इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि y डैश कितना होगा? देखो ध्यान से देखो, y डैश होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, माने यहाँ से यहाँ तक आइए y2 प्लस ये हाफ लेंथ, और ये पूरी लेंथ होगी y1 माइनस y2, हाफ करेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन 2. इसको ऐड करिएगा दोनों को, तो आप पाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2. एंड डेल्टा s इक्वल टू लेंथ y1 माइनस y2 इंटू ब्रेथ डेल्टा x. तो आइए y बार को हम कैलकुलेट करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस तरीके से घुमा रहे हैं ना, तो ये y की हमें जरूरत पड़ेगी. y बार रेडियस की भूमिका निभाएगा, अभी देखना. Therefore, y bar equal to integral a to b y dash था ना, चलो लिख दे रहे हैं y dash ds division integral a to b ds equal to integral a to b y dash की जगह हम क्या लिख दें? y1 plus y2 upon 2, और ds की जगह हम क्या लिख दें? y1 minus y2 dx. ये सब लिखा हुआ है. इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू इंटीग्रल ए टू बी वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर डी एक्स. इंप्लाइज दैट टू यहां आ जाएगा, पाई से हम और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जाएगा टू पाई वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी ब्रैकेट पाई वाई वन स्क्वायर माइनस पाई वाई टू स्क्वायर डी एक्स. अब आप सोचिए, इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो रिंग बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा?
एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो ना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। एक बार हम क्या करेंगे, इस हिस्से को घुमाएंगे, इतने हिस्से को पूरा, और ये पूरा एरिया घुमाएंगे यहां से लेके यहां तक। उसके बाद फिर हम इस एरिया को घुमाएंगे, इतने एरिया को, और फिर घटा देंगे, यानी कि हो गया इंटीग्रल ए टू बी पाई वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वी। कुछ छूट रहा है ना, देखो ये छूट रहा है, ये डिवीजन इंटीग्रल ए टू बी डी एस, यहां पे लिखे डिवीजन डेल्टा कामा, वेयर डेल्टा इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी डी एस इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, समझ रहे कि नहीं, नहीं समझ रहे, सी यू आर वी एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व। डी एस को बताया था ना क्या है, डी एस क्या है, वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स, माने इस पट्टी की, इस स्ट्रिप का एरिया है, और उसी को हम इंटीग्रेट कर दिए तो टोटल एरिया आ गया। तो अब ये अपान में है ना, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, यानी कि इंटू डेल्टा इक्वल टू इतना इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना था, हो गया। देखिए दैट इज वी इक्वल टू, स्टेटमेंट पढ़िए, एरिया ऑफ द कर्व डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई टू पाई वाई बार, अब बताते हैं टू पाई वाई बार क्या चीज है, पहले आप इतना समझ लीजिए। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट है इसमें, उसके फार्मूले यूज किए गए हैं, तो अगर आप इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। अब इसके आगे लिखिए वेयर टू पाई वाई बार इक्वल टू, टू पाई आर फार्मूला याद है ना, आर रेडियस वाले सर्किल का सरकमफेरेंस, तो ये क्या होगा, वाई बार रेडियस वाले सर्किल का सरकमफेरेंस, तो लिखिए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस वाई बार, ये है पॉइंट, इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई बार है, तो वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा ना, यही तो होगा वाई बार। अब आप इसको इसी एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दीजिए, जैसे इसको घुमाइए ऐसे चारों तरफ घुमाइएगा ना, तो रेडियस कितना होगा, वाई बार, और पूरा ट्रैक, पूरा सरकमफेरेंस, माने पूरे पाथ की लंबाई कितनी होगी, टू पाई वाई बार। यही देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में यही लैंग्वेज लिखा हुआ, उसी को मैं दोहरा दे रहा हूं, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ जी एक्स बार वाई बार, जी क्या चीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, हो गया, यही तो प्रूव करना था भैया। डेल्टा के बारे में पहले ही लिख चुके हैं, एरिया एरिया बाउंडेड बाई कर्व है, हेंस फिर से एक बार लिखता हूं, v इक्वल टू डेल्टा माने एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, इस एरिया का जो सेंट्रोइड है, एक्स एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे हैं ना, तो जब इस पूरे एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ये पॉइंट भी तो उसी एरिया में है, वो भी तो घूमेगा ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमेगा, तो उसके द्वारा जो पाथ ट्रेस्ड आउट होगा वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस दिस वाई बार।
टू पाई वाई बार, ये हो गया पहला थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम हम मिटा के ही लिखेंगे, पेप्पस और गोल्डन का सेकंड थ्योरम। फिगर साइड में बना लिया जाए, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। इस आर्क को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इस आर्क को, तो पूरा आर्क तो घुमा नहीं जाता है ना, एलिमेंट्री हिस्सा इसका घुमाएंगे हम, एलिमेंट्री आर्क को हम घुमाएंगे तो एलिमेंट्री सरफेस जनरेट होगा। और इस आर्क ए पी और क्यू नेबरिंग पॉइंट्स हैं, और पी क्यू आर्क को हम डेल्टा एस ले लेना है। ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कर्व का एक हिस्सा हमें घुमाना है, किस कौन सा हिस्सा, जो x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी के द्वारा बाउंडेड है, ये आर्क x एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो जो सरफेस जनरेट होगा वो कितने के बराबर होगा, उसमें एरिया था तो इसमें लेंथ कर दो, उसमें था ना वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पे जहां एरिया की जगह कर दो लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ पाथ ऑफ इट्स सेंट्रोइड। तो लिखिए सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट, यहां से लिखना शुरू करें। इफ एन आर्क ऑफ ए कर्व, एन आर्क of a curve revolves about a straight line, हम x एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, स्ट्रेट लाइन इन इट्स प्लेन विच डज नॉट intersect it then the surface generated is equal to the length of length of the arc multiplied by length of the path of its centroid. Proof. आप चाहो तो यहां कैपिटल ए या कैपिटल बी लिख दो और फिर यहां ब्रैकेट में लिख दो, वी रिवॉल्व आर्क ए बी अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस आर्क को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस जिस प्लेन में आर्क है उसी प्लेन में बना हुआ है। दो ऑर्डिनेट्स हैं एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, बहुत लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सब कुछ फिगर में दिख रहा है। अब इस आर्क की सीजी, लेट
एक्स बार वाई बार बी द सेंट्रोइड, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ए बी. देन फार्मूला लिख रहे हैं, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डैश डी एस, वो एस कैपिटल था एरिया के लिए, ए एस स्मॉल है आर्क लेंथ के लिए यूज होता है. लिमिट इस पर हम नहीं चढ़ा रहे क्योंकि लिमिट हमारे पास एक्स की है और यहाँ पे इंडिकेटर डी एस है, तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक्स इक्वल टू ए करके लिखना पड़ेगा, ना लिखो बाद में लिख देंगे. डिवीजन इंटीग्रल डी एस एंड वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल वाई डैश डी एस, डिवीजन इंटीग्रल डी एस वेयर वेयर एक्स डेस वाई डेस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट. यहां पर एलिमेंट बोले तो एलिमेंटरी आर्क पी क्यू ऑफ द एलिमेंट आर्क पी क्यू एंड डेल्टा स्मॉल एस इज द लेंथ इज द लेंथ. पी के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख दे रहे हैं एक्स वाई जनरल पॉइंट है और क्यू नेबरिंग पॉइंट है, तो दूरी हमने इसलिए दिखा रखी क्लैरिटी के लिए, साफ साफ दिखाई पड़े आपको. इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट सिंस पी एंड क्यू आर नेबरिंग पॉइंट्स. Therefore, we can take P का coordinate x y as centroid of arc PQ. Q बिल्कुल बगल वाला point है, वो दिखा नहीं सकते कर पे, बस आपको imagine ही करना होगा. P के just बाद वाला point है, neighboring points है. तो पी के ही कोऑर्डिनेट्स को हम आर्क पी क्यू, जो कि बहुत छोटा सा आर्क है, बहुत छोटा सा, उसकी लेंथ बहुत कम है, डेल्टा एस. नाउ सिर्फ हम वाई बार को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे पिछले वाले में बताया था ना आपको, क्योंकि इस आर्क को जब आप घुमाइएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर होगा ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर मान लें, कहीं मान लो, मान लो यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स बार वाई बार. तो जब ये आर्क घूमेगा तो ये जी भी तो घूमेगा ऐसे चारों तरफ एक्स एक्सिस के, तो एक पाथ ट्रेस्ड करेगा. वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा. उसका रेडियस कितना होगा, वाई बार, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, टू पाई वाई बार. तो नाउ वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एस की जगह वाई डी एस डिवीजन इंटीग्रल डी एस. अब हम लिमिट चलाने जा रहे हैं, इंप्लाइज दैट वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एस बाई डी एक्स डी एक्स. ये या लिमिट अभी नहीं चढ़ाएंगे, लिमिट अभी रुक के चढ़ाएंगे, अभी चुक. इक्वल्स टू लिमिट यहां ऐसे लिखो भाई, एक्स इक्वल टू ए टू बी, एक्स इक्वल टू ए टू बी, ये लिखना जरूरी है. अगर एक्स इक्वल टू नहीं लिखोगे, सिर्फ ए टू बी लिखोगे, तो एस की लिमिट मान लिया जाएगा. ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होना चाहिए. इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इक्वल टू ए टू बी वाई डी एस डिवीजन एल वेयर एल इक्वल टू इंटीग्रल x varies from a to b y ds. सॉरी सिर्फ ds, y कहां से आ गया,
सिर्फ डी एस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी डी एस अपॉन डी एक्स डी एक्स इज द लेंथ, आर्क लेंथ निकालना आप सीखे हुए हैं रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, समझ में बात आ रही है? तो वाई बार इक्वल टू दिस अपान दिस है, तो एल से इसमें गुणा हो जाएगा उल्टा, इंप्लाइज दैट एल इंटू वाई बार इक्वल्स टू, ये बचा इंटीग्रल एक्स इक्वल टू ए टू बी वाई डी एस। अब आपको मालूम है इस सरफेस को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो सरफेस जनरेट होगा उसका एरिया कितना होगा, इंटीग्रल 2 पाई वाई डी एस, 2 पाई बस नहीं है तो 2 पाई वाई डी एस हो जाता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 पाई एल वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इक्वल टू ए टू बी 2 पाई वाई डी एस, 2 पाई वाई डी एस, और यही है सरफेस इक्वल टू कैपिटल एस। अब लिखिए वेयर कैपिटल एस इज द सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द सरफेस इज द, केवल एरिया ऑफ द सरफेस को केवल सरफेस लिख देने से भी काम चल जाता है, इज द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाई रिवोल्यूशन ऑफ आर्क ए बी अबाउट एक्स एक्सिस। फिर से एक बार लिखिए, हो गया प्रूफ कंप्लीट। देयरफॉर कैपिटल एस इक्वल टू एल इंटू टू पाई वाई बार, L इंटू टू पाई वाई बार, वेयर वही जो पिछले क्वेश्चन बताए थे, टू पाई वाई बार क्या चीज है, टू पाई वाई बार इज इक्वल टू टू पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस वाई बार, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस वाई बार इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ एक्स बार वाई बार। ये जो आर्क है ना एक्स एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे तो इस आर्क की सीजी जहां भी होगी, मान लो यही है तो वो भी तो ऐसे ऐसे घूमेगा बराबर, कितनी ऊंचाई से घूमेगा, इतनी लंबाई में ना, इतनी दूरी बनाए रखते हुए इसके चारों तरफ घूमेगा, तो ये रेडियस की भूमिका हो जाएगी ना वही बात। तो इस जी के द्वारा जो पाथ ट्रेस्ड आउट होगा वो किसी सर्किल का पाथ होगा, और पाथ की लंबाई कुल कितनी होगी, सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, बस यही प्रूव करना था। और एल क्या चीज है, आर्क लेंथ। एक बार फिर लिखना चाहें तो जिसे पिछले वाले में लिखे थे हैंड्स करके फिर से लिख दीजिए एक बार। हेंस एस इक्वल टू एल माने लेंथ ऑफ द आर्क, जिस आर्क को घुमाए हैं आप, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द सेंट्रोइड,
लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ सेंट्रोइड, किसका सेंट्रोइड, जिस आर्क को घुमाए हैं, ऑफ आर्क, यही प्रूव करना था। अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने की बात करें तो इसमें वाई बार यूज हुआ है ना, तो उसमें एक्स बार यूज होगा, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो बीएससी प्रीवियस के उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको समझने में, जिनके यहां बीएससी प्रीवियस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन नहीं है सिलेबस में, सेकेंड ईयर में है या हाई नहीं, कहीं भी नहीं है। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन पढ़ना है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब जिनके यहाँ सिलेबस में नहीं, उनको हमने सब बता दिया कि भाई ये फार्मूला होता है, अब होता है तो होता है, इससे ज़्यादा नहीं खोदेंगे, इससे ज़्यादा खोदेंगे फिर ढेर पीछे जाना पड़ेगा। ओके, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने में कोताही बरतते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये प्लेलिस्ट पूरा हुआ, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का ये प्लेलिस्ट पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।